अनुवाद जब हम करते हैं तो नियमों का ध्यान रखते हैं, टेंस का ध्यान रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जान जाते हैं, बहुत सारी वर्ब जान जाते हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। आज का विषय है कि डियर का प्रयोग कहाँ करते हैं। डियर ये है TH ER E, डियर। इसका प्रयोग हम कब और कहाँ करते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो हिंदी में सेंटेंस लिखा है उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। अगर लास्ट में हूं लिखा हो, है लिखा हो, और ये है हो गया और है लिखा हो, ये तीन शब्द लिखे हो और उधर था, थी और थे लिखा हो, इनमें से कोई एक, चाहे जो हो, इनमें से कोई एक शब्द लास्ट में लिखा हो और उसके तुरंत पहले, है के पहले लिखा हो सब्जेक्ट, ये सबसे लास्ट में है और उसके बाद ये लिखा हो और उसके पहले लिखा हो मैं, तब उस सेंटेंस में डियर का प्रयोग होगा। फिर से एक बार समझिए, सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले नहीं, लास्ट से हम चलते हैं, लास्ट में ये शब्द लिखा हो और उसके पहले सब्जेक्ट लिखा हो और उसके पहले मैं लिखा हो, अगर ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है तो उसमें जहां हम सेंटेंस बनाने लगते हैं तो डियर लिखते हैं, TH ER E। अब हैं, हूं, हैं लिखा है तो उसकी अंग्रेजी इज, एम, आर, इसके बाद इज लिखेंगे या एम लिखेंगे या आर लिखेंगे, इनमें से कोई एक, तीनों नहीं लिखना है, डियर के बाद ये और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि वर्ब होता ही नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें, सीधे सीधे वाक्य लिखे होते हैं जिसमें कोई वर्क नहीं हो रहा होता है, तो हम सब लास्ट से चेक करते हैं, लास्ट में अगर ये है तो ये लिखा जाएगा, था, थी, थे लिखा हुआ है तो वाज और वेयर लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। अब देखते ही आप सेंटेंस जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता, शुरू में चाहे जितना लिखा हो, जैसे हम बताएं, मेरे थैले में एक पेन है, मेरे थैले में, अब देखिए लास्ट से शुरू करें, मेरे थैले में एक पेन है, अब देखिए लास्ट में है हो गया, ये है हो गया यहां से, फिर उसके पहले पेन, एक पेन, एक कोई शब्द और नहीं है, एक तो केवल इस पेन के बारे में कहा गया है, तो पूरा सब्जेक्ट है एक, सब एक पेन, तो ये हो गया, उसके पहले क्या लिखा हुआ है, मैं, ये लिखा हुआ है। बस इस सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो डियर लगाया जाएगा, ठीक है। मेरे थैले में, आगे लिखा हुआ था मेरे थैले में, ये लिखा हुआ था, तो देखिए सेंटेंस जब बनेगा इंग्लिश में, जब लिखेंगे तो लिखेंगे डियर, सबसे पहले डियर लगाया जाएगा, इज, क्योंकि एक पेन है, जो इज, एम, आर, ये जो ये शब्द लिखे जाएंगे वो इस सब्जेक्ट के अनुसार लिखे जाएंगे, डियर के हिसाब से नहीं, डियर के साथ इज भी लग सकता है, एम भी लग सकता है, आर भी लग सकता है, वाज, वेयर, कुछ भी लग सकता है, क्योंकि इस डियर के हिसाब से वहां नहीं लगता, ये लगता है जो सब्जेक्ट उसमें आया है उसके हिसाब से, एक पेन, है ना, एक पेन की इंग्लिश क्या होती है, अकेला है ये, सिंगुलर नंबर है तो इज लगेगा, तो डियर इज अ पेन, एक पेन है, ये हो गया। फिर इन माई बैग, आगे देखिए जो बचा हुआ है, मेरे थैले में, तो मेरे में इन माई बैग इज,
तरीके से आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। अब देखिए फिर सेंटेंस है, जैसे लिखा हुआ है यह मेरा पेन है। अब देखिए यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। अब यहां गौर से देखिए लास्ट में है लिखा हुआ है, यहां पेन लिखा हुआ है, लेकिन इसके पहले ये में नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें दियर का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, जेब में पेन क्यों नहीं था, जेब में पेन क्यों नहीं। अब क्यों नहीं से नहीं मतलब मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ये है, उसमें क्यों और नहीं जब लग जाता है उसको आप ज्यादा ध्यान से मत देखिए, वो इस नियम में नहीं आता, वो तो बाद में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। तो जेब में पेन, अब जैसे था, अब क्यों नहीं या कुछ भी लगता है उसको सेंटेंस चेंज करने के लिए लगता है। जेब में पेन था आप लिख लीजिए, मान लीजिए अब इस ये सेंटेंस बनेगा। अब इसमें देखिए में भी लिखा हुआ है, पेन भी लिखा हुआ है और था लिखा हुआ है लास्ट वाला, तो इसमें देयर लगेगा। अब इसमें चाहे इंट्रोगेटिव बनाओगे अगर तो देयर हट थोड़ी जाएगा, तो इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन मार्क वाला शब्द होता है वो लिखा जाएगा, और निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। तो इसीलिए उसको हिंदी में कहा गया कि जेब में पेन क्यों नहीं था। अब ये सेंटेंस और इस सेंटेंस में क्या है, यही सेंटेंस है जिसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज किया गया है। तो जो इसका नियम है, जो इसमें देयर लगना है तो इसमें भी देयर लगना है, वही चीज है, लिखा में क्यों नहीं तो अलग से जोड़ा गया है, मेन सेंटेंस ये है। तो यहां ये देखिए अब देयर का प्रयोग करना है इसमें, क्यों, क्यों जब बीच में लिखा होता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है कि नहीं सबको पता। तो सबसे पहले व्हाई, ये व्हाई हो गया। अब देखिए पेन, पेन अकेला है और था लिखा हुआ है, तो अकेला है और था है, तो वाज और वियर में से कोई एक चीज लगेगा, क्या लगेगा, वाज, है ना। तो अब आइए दियर, व्हाई वाज दियर, नो पेन, नो पेन, फिर कहा इन माई पॉकेट, है ना, इन माई पॉकेट, POCKET, पॉकेट, इन माई पॉकेट, इस तरीके से इस सेंटेंस को बना लेंगे। अब देखिए जिसमें देयर नहीं लगेगा, ऐसे भी सेंटेंस मिलेंगे तो फिर वहां क्या लगाओगे तुम, मान लो हम सेंटेंस बोल देते हैं जिसमें मैं नहीं लिखा हुआ है उसको बोलेंगे, तो आपको पहचानना भी है कि इसमें देयर लगेगा या नहीं लगेगा। आज हम केवल सिंपल सेंटेंस देंगे जिसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव में नहीं चेंज करना है, तो यहां जेब में पेन नहीं था, है ना, देयर वॉज नो पेन इन माई पॉकेट, इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो अब देयर का प्रयोग हो गया, अब जिसमें देयर नहीं लगता तो जैसे ये मेरा पेन है, अभी जैसे यह मेरा पेन है, अब इसमें मे नहीं है, और जब मे नहीं होता है तो इट का प्रयोग होता है, आई टी इट, तब इट का प्रयोग होता है, इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। देखिए इस सेंटेंस में पहचान क्या है कि इट लगेगा कि देयर लगेगा, पहचान यही है कि मैं अगर शब्द में आया है कहीं पर, है ना, स्थान की बात हो रही है तो देयर, और सिर्फ मेरी ऐसे ही मैं नहीं लिखा हुआ है तो इट का प्रयोग लिखेंगे, तो इट इज माई पेन, है ना, ये क्या बनेगा, इट इज माई पेन, बाकी सेम नियम है। तो आप इट इज और देयर इज
और ये सेंटेंस भाई इज भी लगेगा, एम भी लगेगा, आर भी लगेगा, बहुवचन है तो आर लगाइए, है कि नहीं। मैं की बात कहीं पर आ जाता है, मेरा, माई, मैं के साथ जो होता है वो एम लगाया जाता है कि नहीं। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे, तो नोट करिए, मैं 10 सेंटेंस बता रहा हूं, है ना। और उन सेंटेंस को आप देयर का प्रयोग करते हुए, बहुत सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, उनको इंग्लिश में लिखिए। जंगल में शेर है, जंगल में शेर है, एक सेंटेंस हो गया। फिर है, आज गर्मी है, आज गर्मी है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं। थ्री नंबर पर, जेब में पेन है, अलमारी में किताबें हैं, अलमारी में किताबें, और पांच नंबर पर, वन में पशु हैं, वन में पशु हैं, ये पांच सेंटेंस हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से, जिसमें में शेर हैं तो देयर ही लगेगा, क्या लिखोगे, देयर शेर। अब देखिए शेर अगर हैं लिखा हुआ है तो बहुत सारे हुए, है ना, तो देयर आर लायंस इन अ जंगल, है ना। फिर देखिए, आज गर्मी है, अब इसमें देखिए मैं नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब देयर इसमें नहीं लगेगा, ये इट लगेगा इसमें, बहुत ध्यान से बनाना। फिर देखिए, जेब में, अब मैं लिखा हुआ है तो इसमें देयर लिखा जाएगा, इसकी अंग्रेजी पहले मत लिख देना, वहां ये लिखा जाएगा There is a pen. There is a pen in my pocket. In pocket, है ना? ये बाद में चला जाता है, क्यों? हाँ, अलमारी में किताबें हैं, तो there are books. There are books in the अलमारी, है ना? वन में पशु हैं, there are animals. बहुत सारे पशु होते हैं. There are many एनिमल्स, बहुत सारे, इन द जंगल, है ना, फॉरेस्ट। हाँ, इस तरीके से आप बहुत सावधानी से, इसकी अंग्रेजी कहीं पहले लिखा है तो पहले मत लिख देना, पहले शुरुआत दियर से होगी, बना लोगे? हाँ, इसको तुम लोग ट्रांसलेशन कर लेना, और इट वाले जो है वो मैं कल दूंगा, कल बताऊंगा, समझ तो गए ही हैं, वहां पर मैं नहीं लिखा हुआ है तो इट लगाना है। एक एक काम हुआ, पांच सेंटेंस हुए, और पांच के बाद दस कैसे पूरे करोगे, सब में नॉट लगाकर, है ना, कि जंगल में शेर नहीं है, तो वही सेंटेंस है, केवल देयर आर के बाद नॉट, ठीक है। इस तरीके से ये 10 सेंटेंस आपके बन जाएंगे, ये घर से बनाइए, घर में मम्मी पापा भाई को दिखाइए और खुद देखिए, मैं चाहता हूं कि आप देख करके जान जाएं सब कुछ, है ना, बहुत अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों को भी दिखाइए, देखने के लिए कहिए, मैं रोज हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़ा रहा हूं और होमवर्क भी दे रहा हूं काम करने के लिए, और आप देखें, आपके मित्र भी देखें, ऐसा कोशिश करिए। धन्यवाद।